वेलकम बेटे। तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, प्लस टू एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं इसको एकदम बेसिक से। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो वर्ड सामने आया है, रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली दो वर्ड छुपे हुए हैं, कौन कौन से, एक तो री, ठीक, और एक क्या है, प्रोडक्शन। ठीक है, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, ठीक है, या फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब क्या, प्रोड्यूस करना। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने लायक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक, आप लोगों को पता है कि बेसिकली हम लोग जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो गैमेट्स हैं ना, तो उनका फॉर्मेशन होता है ना ही उनका फ्यूजन होता है। ठीक, तो लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, और ह्यूमन जो है वो क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आपको ये भी पता होगा कि जो ह्यूमन है वो क्या है, एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। क्या है, ह्यूमन जो है वो क्या है, एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। क्या है, विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक, विविपेरस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स, बेसिकली ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं। क्या करते हैं, जो यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ एक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं। क्या होते हैं, ओविपेरस, आप नाम से समझ गए होंगे कि ओविपेरस कौन से एनिमल्स होते हैं, जो एग लेइंग करते हैं, जो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि यंग वन का बर्थ होता है। ठीक, यंग वन का बर्थ होता है। तो ह्यूमंस क्या है, बेसिकली एक विविपेरस ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है। ठीक, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले गैमेट्स बनने चाहिए। ठीक, गैमेट्स बनने चाहिए, उसके बाद में गैमेट्स का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक, जो कि सारे सारे इवेंट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट होते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, हम लोग क्या करें, एक बार ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर का। हम लोग हर एक जो टर्म है इसको आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी, एक बार क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे ब्रीफ में देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो इवेंट होगा वो क्या होगा, गैमेटोजेनेस। ठीक है, अब गैमेट्स बन गए, तो गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्या होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक, और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, या फिर एग बोल देते हैं। ठीक, और जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कहां पर होती है, पता होगा आपको, जो स्पर्म्स हैं वो कहां पर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। और जो ओवम है या जो एग है ये कहां पर बनता है, ओवरी में बनता है। कहां पर बनता है, ओवरी में बनता है। ठीक, इसके बाद में क्या है कि गैमेटोजेनेसिस के बाद में जो गैमेट्स हैं इनको, इनका क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। तो गैमेट ट्रांसफर के लिए क्या होते हैं, ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, इसके अलावा उसके बाद में क्या होता है, जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तब क्या होता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं कि स्पर्म जो ओवम के साथ में फ्यूज होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों
फर्टिलाइजेशन के अंदर भी कई सारे इवेंट आते हैं, हम लोग उनको भी स्टडी करेंगे। सिनगैमी क्या होती है, कार्योगैमी क्या होती है, प्लाज्मोगैमी क्या होती है, ठीक। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो फ्यूजन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सेल बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। और जायगोट जो है वो फिर क्या करता है, आगे डिवीजन करता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, क्लीवेज होते हैं। जायगोट के अंदर क्या होते हैं, क्लीवेज होते हैं, ठीक है। जब स्पर्म जो है वो ओवम के साथ में फ्यूज होता है, ठीक, तो क्या होता है कि जायगोट बनता है, एक सिंगल सेल बनती है, ठीक। जायगोट एक सिंगल सेल बनती है, जायगोट जिसको बोलते हैं, ठीक। और जायगोट के अंदर क्या, फिर क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। जायगोट के अंदर होने वाले डिविजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज, ठीक। इनको क्लीवेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा। सेल साइकिल के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि उसके अंदर जब हम लोग सेल साइकिल को बनाते हैं तो वहां पर कुछ एक फेज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। कौन कौन सी फेज होती है उसमें, बेसिकली दो फेज होती हैं, डिविजनल फेज होती है और इंटर फेज होती है। कौन सी फेज होती है, डिविजनल फेज होती है, ठीक, डिविजनल फेज होती है, और क्या होती है, इंटर फेज होती है। ये सारी क्या है, इंटर फेज है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। और ये जो है ये क्या है, डिविजनल फेज है। सेल साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं प्लस वन में। और इंटर फेज जो होती है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, बेसिकली तीन फेज होते हैं। जी वन फेज होता है, उसके बाद में एस फेज होता है, एंड जी टू फेज होता है, ठीक। बात करते हैं कि जायगोट के अंदर होने वाले जो डिवीजन है इसको क्लीवेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो सेल डिवीजन है वो कौन सा होगा, जायगोट के अंदर माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होते हैं, ठीक। माइटोसिस डिवीजन होते हैं यहाँ पर, ठीक, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है यहाँ पर। और वहां पर क्या होते हैं, ग्रोथ फेज होते हैं वो एबसेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रोथ फेज एबसेंट होते हैं। वहां पर क्या होता है, सिर्फ सिंथेसिस फेज, जहां पर डीएनए अपने आप को डबल करेगा, और जो है डिविजनल फेज, ठीक है, या जिसको हम लोग एम फेज भी बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पर ग्रोथ फेज नहीं होते हैं, दोनों ग्रोथ फेज नहीं होते हैं, सिर्फ डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है और सेल डिवाइड कर जाती है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। और नॉर्मल सेल डिवीजन की तुलना में जो क्लीवेज है वो तेजी से होता है। तेजी से होता है क्यों, क्योंकि वहां पर ग्रोथ फेज नहीं है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ दो ही फेज है यहाँ पर, सिंथेसिस फेज और माइटोटिक फेज, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज बोलते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। और इसलिए क्लीवेज के अंदर क्या होता है, जो जायगोट होता है वो डिवाइड होने लगता है, ठीक है, इस टाइप से डिवाइड होता है। उसके बाद में क्या होते रहते हैं, जायगोट के अंदर डिविजन होते रहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में काफी सारी स्टेजेज आती हैं, ठीक है, जैसे मोरूला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है, गैस्ट्रुला स्टेज आती है। एंड देन उसके बाद में क्या होता है कि न्यू जो यंगमन होता है उसका हम लोग बात करें कि डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, इम्प्लांटेशन से लेकर, जो जायगोट होता है वो क्या होता है, बेसिकली पहले इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। जायगोट जो है वो क्या होता है, इम्प्लांट होता है, ठीक, यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने का मतलब क्या है कि जो जायगोट है वो यूट्रस की वॉल के साथ में जाके अटैच हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन होने के बाद में क्या होता है, जायगोट के अंदर क्लीवेजेस होते हैं, ठीक। उसके बाद में काफी सारी सेल्स बनती हैं और जो यंग वन है, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि फीटस जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद में फीटस क्या होता है, फीटस की डिलीवरी होती है, ठीक है, बेबी की डिलीवरी होती है। डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक। पार्चुरेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द फीटस, उसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन और पार्चुरेशन के बीच का जो टाइम गैप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक। गेस्टेशन पीरियड जो है वो कितना होता है, आप सबको पता होगा, ह्यूमंस के अंदर लगभग 9 मंथ्स का होता है। क्या होता है, लगभग 9 मंथ्स का होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में ये सारे के सारे इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक और बातें करते हैं, ठीक है, कुछ एक और वर्ड्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मेल है या फिर फीमेल है ह्यूमन के केस में, तो वहां पर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है।
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली दो पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होते हैं कि दो पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से, उसके अंदर बेसिकली दो टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। एंड दूसरे क्या होते हैं, सेकंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनके लिए एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, गोनाड्स, ठीक है। तो गोनाड्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर गोनाड का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, गोनाड्स बोलते हैं। और गोनाड्स का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल और फीमेल के अंदर दोनों में अलग अलग होते हैं, ठीक। दोनों में ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं। लेकिन दोनों क्या करते हैं, ये भी सेम है कि दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक। और फीमेल गैमेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवम बोलते हैं, ठीक। तो स्पर्म जो है इसका प्रोडक्शन कहां पर होगा, इसका प्रोडक्शन कहां पर होगा, इसका प्रोडक्शन होगा टेस्टिस में। कहां पर होगा, टेस्टिस में। तो मेल के केस में, ह्यूमंस के अंदर बात करें हम लोग, मेल्स के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या गोनाड है वो कौन है, वो टेस्टिस है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, क्लियर। अब जो ओवम है उसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, उसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, ओवरी के अंदर होता है। कहां पर होता है, ओवरी के अंदर, क्लियर। तो फीमेल के अंदर गोनाड क्या हो गया या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गए, ओवरी, ठीक, क्लियर। आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनाड्स का काम क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मेल के केस में टेस्टिस होता है, फीमेल के केस में ओवरी होती है। लेकिन इन्होंने क्या करना है, सिर्फ गैमेट्स जो है उनको बना के छोड़ देना है। अब गैमेट का ट्रांसफर भी तो जरूरी है, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब गैमेट के ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए हमें, कुछ एक सिस्टम चाहिए, ठीक है, कुछ एक सिस्टम चाहिए। और उन सिस्टम से क्या बनता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। उस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बेसिकली दो टाइप के सिस्टम आ जाते हैं, ठीक। दो टाइप के सिस्टम आ जाते हैं, कौन कौन से, एक को तो हम बोलते हैं डक्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, डक्ट सिस्टम, क्या बोलते हैं, डक्ट सिस्टम, ठीक। एंड सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक। क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक, डक्ट सिस्टम और एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, क्लियर। हम लोग बात करते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। फीमेल को हम लोग बाद में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनको गोनाड बोलते हैं वो कौन होते हैं, वो टेस्टिस होते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं मेल के केस में वो कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम लोग दो चीजों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कुछ आ जाएगा उनमें, डक्ट सिस्टम आ जाएगा और एसेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, ठीक। डक्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा आ जाएगा, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक। आप लोग एक बार इनके नाम रट लीजिए या दिमाग में रखें एक बार, इनको हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे, ठीक। एपिडाइमस, उसके बाद में क्या है, वास या फिर वासा डिफरेंशिया, ठीक, वास डिफरेंशिया। एंड देन उसके बाद में क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, क्या है, इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक। एंड देन उसके बाद में क्या है, यूरेथ्रा, क्या है, यूरेथ्रा, ठीक।
मेल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या किया कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, डक्ट सिस्टम में और एसेसरी ग्लैंड्स में। डक्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन से डक्ट आ जाएंगे, बेसिकली एपिडाइमस, ये भी डक्ट है, वास डिफरेंशिया डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट, ये तो डक्ट है ही, यूरेथ्रा भी क्या है, डक्ट है। और यूरेथ्रा बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पेनिस में प्रेजेंट होता है, पेनिस, ठीक, पेनिस में प्रेजेंट होता है। और पेनिस क्या होता है, एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया, ठीक, एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया, क्योंकि ये क्या होता है, हमें बाहर से ऑब्जर्व होता है, ठीक, क्लियर। एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया क्या है, पेनिस है, और पेनिस में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो मेल के केस में कौन कौन सी होती हैं, बेसिकली हम लोग बात करें तो सेमिनल सेमिनल वेसिकल, ठीक, सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट जो है वो क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड, ठीक। आप लोगों को एक बार ये नाम समझ नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ इनको दिमाग में रखें, हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर टेस्टिस जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आइए टेस्टिस को समझते हैं, आइए जानते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, क्या हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल के केस में, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, गोनाड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, गोनाड्स, ठीक। अब टेस्टिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब टू इन नंबर होते हैं, क्या होते हैं, टू इन नंबर, ठीक। आइए हम लोग टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर है इसको बाद में समझेंगे, पहले इसकी लोकेशन को देखते हैं, ठीक। टेस्टिस जो है इसकी लोकेशन क्या होती है, ये स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रॉटम में, ठीक, स्क्रॉटम में। आइए स्क्रॉटम को समझते हैं पहले, ठीक, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रॉटम में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रॉटम क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक। स्क्रॉटम क्या है, बेसिकली ये एक आउट पाउचिंग है एब्डोमिनल वॉल की, क्या है, आउट पाउचिंग है एब्डोमिनल वॉल की, ठीक। स्क्रॉटम क्या है, आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल, आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ठीक, एब्डोमिनल वॉल की क्या है, ये आउट पाउचिंग है, ठीक। आउट पाउचिंग क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो एब्डोमिनल वॉल है इस टाइप से आती है, ठीक, उसके बाद में क्या होता है, वहां पर एक पाउच का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, एक पाउच का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो स्किन है, जो स्किन है ये क्या होती है, लेग्स की स्किन के रूप में आगे कैरी हो जाती है, ठीक। तो क्या करती है, ये आउट पाउचिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, एक पाउच का फॉर्मेशन करती है आउट पाउचिंग करके, ठीक। और स्क्रोटम जो है इसके अंदर क्या होते हैं, जो टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो स्क्रोटम है, जो स्क्रोटम है, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आइए हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं ध्यान से। स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देखिए ये क्या है, स्टॉटम है, हम लोग क्या करें इसको बड़ा करके समझ रहे हैं, स्टॉटम है ये, ठीक। स्टॉटम बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होता है, ये हमारी जो रीजन होती है प्यूबिक रीजन, वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक, कहां पर, प्यूबिक रीजन जो होती है मेल्स में वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक। आइए बात करते हैं स्टॉटम की। स्टॉटम जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों के दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लेकिन ये जो स्क्रॉटम होता है, ये जो स्क्रॉटम होता है, ठीक है, इसके बीच में एक क्या पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक सेप्टम पाया जाता है, ठीक, इस टाइप से, उसे क्या बोलते हैं, सेप्टम स्क्रॉटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टम स्क्रॉटी बोलते हैं, सेप्टम स्क्रॉटी, ठीक।
अब सेप्टम स्क्रॉटी क्या करता है, स्क्रॉटम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, ताकि एक पार्ट में एक टेस्टिस रहे और दूसरे पार्ट में दूसरा टेस्टिस रहे, ठीक। और जो सेप्टम स्क्रॉटी है ये क्या कर रहा है, अंदर से भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और सेप्टम स्क्रॉटी जब डिवाइड करता है टेस्टिस को, सॉरी स्क्रॉटम को, तो हमें आउटसाइड से, हमें आउटसाइड से भी क्या होता है कि जो पार्टीशन है वो दिखता है। जब हम लोग क्या करते हैं स्कॉटम को आउटसाइड से देखते हैं तो हमें बाहर से भी क्या दिखता है, एक पार्टीशन दिखता है, ठीक है। तो सेप्टम स्क्रॉटी ही होता है वो, और उसकी जो हमें बाहर से अपेयरेंस दिखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफे, ठीक, उसे रेफे बोला जाता है, क्लियर। और दोनों के दोनों जो ये पार्ट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, एक एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक। अब एक बात और ध्यान रखें कि जो स्क्रॉटम है, ये जो स्क्रॉटम है ये क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल जो होती है, ठीक है, एब्डोमन जो होता है बेसिकली एब्डोमन से जुड़ा रहता है एक कैनाल के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रही होगी, ठीक है, आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ठीक है। इस कैनाल के थ्रू जो स्क्रॉटम है ये किससे कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड रहता है एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है, बेसिकली एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक। तो इस कैनाल को क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल, क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं, ठीक। एक बात आप ध्यान से सुने कि जो टेस्टिस है, जो टेस्टिस है इनका ओरिजिन कहां से होता है, इनका ओरिजिन होता है मीजोडर्म से। इनका ओरिजिन कहां से होता है, मेसोडर्म से ओरिजिन होता है, ठीक। और जो टेस्टिस है इनका जो हम लोग बात करें कि फॉर्मेशन है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होते हैं ये फॉर्म होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होते हैं, लेकिन बाद में एब्डोमिनल कैविटी से उनको इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रॉटम में लाया जाता है, ठीक। उनको क्या किया जाता है, स्क्रॉटम में लाया जाता है बाद में, लेकिन वो बनते कहाँ पर है, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी वहां पे बनते हैं, और इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू से क्या लाया जाता है, स्क्रोटम में लेके आया जाता है, ठीक। स्क्रोटम में जब उनको लाया जाता है, ठीक है, तो कहाँ से आते हैं वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आते हैं, ठीक। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जब वो आते हैं, जब वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आते हैं, ठीक, तो उनको गाइड करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको गाइड करने के लिए क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये एक टेस्टिस है, एक ये टेस्टिस है, ठीक, इनको क्या करना है, गाइड करना है। इस टाइप से गाइड करने के लिए क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस टाइप से, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करती है, इनको गाइड करती है, और इसे क्या बोलते हैं बेसिकली, मेसोरकियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोरकियम बोलते हैं, ठीक, मेसोरकियम बोला जाता है, ठीक। अब क्या करते हैं ये जो स्ट्रक्चर होती है मेसोरकियम, मेसोरकियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम भी बोलते हैं, गुबर्नाकुलम, क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम भी बोलते हैं, ठीक। इसका काम क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल से जब टेस्टिस का डिसेंट होगा, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक। तब क्या करती है, उन टेस्टिस को जो पाथवे है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, गाइड करती है, मेसोरकियम जो होती है दो होती है। और उसके बाद में जब टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, उसके बाद में जब टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं तब क्या होता है वहां पर, आइए देखते हैं क्या होता है कि जब टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक, एक टेस्टिस इधर से आ जाता है और एक इस पार्ट में आ जाता है, बीच में क्या है, सेप्टम स्क्रॉटी प्रेजेंट है, ठीक। तो जो मेसोरकियम है वो यहाँ पर सिर्फ बहुत छोटे से पार्ट के फॉर्म के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक कुशन लाइक अपीयरेंस देती है। क्या देती है, कुशन लाइक अपीयरेंस देती है, ठीक। और वो है क्या एक्चुअल में, वो मेसोरकियम ही है। क्या है, मेसोरकियम, ठीक, मेसोरकियम ही है, क्लियर। और या फिर ये क्या है, गुबर्नाकुलम, गुबर्ना कोलम, ठीक, क्लियर, गुबर्ना कोलम। अब देखिए ये तो था, हमने बात की कि डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस के बारे में, ठीक है। अब होता क्या है कि जब डिसेंडिंग हो रही होती है टेस्टिस की, तब क्या होता है, डिसेंडिंग होने के बाद में जो टेस्टिस है इनके डिसेंडिंग होने के बाद में क्या होता है कि ये जो इंग्वाइनल कैनाल है इसको भर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी हमारे क्या है, फ्लूड प्रेजेंट है या इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, वो स्क्रॉटम के अंदर ना एंट्री कर पाए, ठीक है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि इंग्वाइनल कैनाल जो है इसको भरा नहीं जाता, इसको सील नहीं किया जाता है, तब वहां पर एक कंडीशन बन जाती है इंग्वाइनल हर्निया। क्या बोलते हैं इसको? इंग्वाइनल हर्निया। ठीक, इंग्वाइनल हर्निया। उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन या फ्लूड जो भी प्रेजेंट होता है, वो स्कॉटम के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनते हैं? इंग्वाइनल हर्निया बनते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इंग्वाइनल हर्निया। अब कई बार क्या होता है कि जो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस है ये हो ही नहीं पाती है, एबनॉर्मलिटी की वजह से डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस हो ही नहीं पाती है, तो मतलब हमें जो टेस्टिस है वो नहीं दिखते हैं, स्कॉटम के अंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एबनॉर्मल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी डिसेंडिंग नहीं हो पाती है। तो वो जो कंडीशन होती है जहां पर हमें टेस्टिस दिखते नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। ठीक, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्लियर? क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या है? कि छुपे हुए। ठीक, क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या होता है? छुपे हुए। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं लेकिन कहां पर होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जो स्क्रॉटम है, जो स्क्रॉटम है इसकी वॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए स्क्रॉटम की वॉल को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। जो स्क्रॉटम है, ठीक, हम लोग इसको रब कर रहे हैं। स्क्रॉटम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ एक वॉल्स पाई जाती हैं, स्क्रॉटम की वॉल के अंदर कुछ एक लेयरिंग पाई जाती है। ठीक, उन लेयरिंग का ये नाम देखते हैं कि जो ये स्क्रॉटम है, ये जो स्क्रॉटम है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है कि सबसे बाहर स्किन हमें दिखती है। क्या दिखती है? स्किन। ठीक है, स्किन के बाद में अंदर यहाँ पर एक लेयर होती है, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होती है? एक लेयर होती है। ठीक है, मसल लेयर होती है। क्या होती है? एक मस्कुलर लेयर होती है। उस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल। क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल। ठीक है, डार्टोस मसल के इनसाइड एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्रीमेस्टर। क्या बोलते हैं? क्रीमेस्टर। ठीक, क्या बोलते हैं? क्रीमेस्टर। क्लियर? और ये जो ग्यूबरनाकुलम है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये करता क्या? बेसिकली जो स्क्रॉटल वॉल है, स्क्रॉटल वॉल जो है उसको टेस्टिस से जोड़ता है। ग्यूबरनाकुलम जो है, ये वाला मेसेनकाइम जो है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो बेसिकली कर क्या रहा है? कनेक्ट कर रहा है टेस्टिस को स्क्रॉटल वॉल से। ठीक, और अंदर वाली जो लेयरिंग थी इसका हमने नाम क्या बोला था? क्रीमेस्टर। क्या है? क्रीमेस्टर। ठीक, अब देखिए यहां पर ये जो कंसर्न की बात हमारे पास वो क्या है? डार्टोस मसल। ठीक है, अब डार्टोस मसल का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्कॉटल सैक के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं? जो टेस्टिस हैं वो स्कॉटल सैक के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं? देखिए, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, या फिर हम बात करें कि 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, 98 फॉरेनहाइट होता है। लेकिन जो टेस्टिस है इनका काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना। ठीक है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना, जो कि इस टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, जो कि इस टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर उससे टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। कितना टेम्परेचर कम रखना पड़ता है? 92 फॉरेनहाइट रखना पड़ता है। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हमें रखना पड़ता है लगभग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रखना पड़ता है। ठीक है, 2 to 3 डिग्री या फिर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना पड़ता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है स्कॉटम के कारण। ठीक है, तो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? स्कॉटम में पाए जाते हैं, क्योंकि जो मेन हमारा जो टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है? ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है जो स्कॉटल सैक होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। ठीक, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ठीक, अब देखिए कि जो स्कॉटल सैक है इसके अंदर एक और यहाँ पर मसल प्रेजेंट है, कौन सी? डार्टोस मसल। कौन सी? डार्टोस मसल। अब डार्टोस मसल का काम क्या है? डार्टोस मसल जो है इसका काम क्या है? ये कॉन्टेक्ट कर सकती है और रिलैक्स कर सकती है। क्या कर सकती है? कॉन्टेक्ट कर सकती है और रिलैक्स कर सकती है। ठीक है, अब होता क्या बेसिकली, जब समर सीजन होता है, जब समर सीजन होता है, जब समर सीजन होता है या फिर जब विंटर सीजन होता है। ठीक, ध्यान से बात सुने, समर सीजन के अंदर डार्टोस
मसल का अलग काम है और विंटर सीजन के अंदर डाटोस मसल का काम अलग है। ठीक है, विंटर सीजन के अंदर क्या होता है कि जो आउटसाइड होती है हमारी, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कम टेम्परेचर ही जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या है, हमें बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए। तो मतलब 34 to 35 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए। लेकिन विंटर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर इससे भी लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लो टेम्परेचर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोड्यूस क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। हालांकि क्या चाहिए हमें, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक, तो अगर टेम्परेचर उससे भी कम हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस तब भी नहीं होगा। इसलिए जो डार्टोस मसल होती है ये क्या करती है सर्दियों में, ठीक है, विंटर्स में क्या करती है, ये कॉन्टैक्ट कर जाती है, क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है। और कॉन्टैक्ट करने के कारण ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल वॉल की तरफ सरक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एब्डोमिनल जो कैविटी है, बेसिकली क्या है, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, थोड़े रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और ताकि इन्हें जो टेम्परेचर है वो मिल सके। ठीक है, इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल मेंटेन रह सके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक, क्लियर। तो विंटर में क्या करती है, डार्टोस मसल कॉन्टैक्ट करती है। ठीक, कॉन्टैक्ट कर जाती है ताकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए वो मिल सके। लेकिन समर्स के अंदर क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, गर्मी ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, समर्स के अंदर क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी में तो वैसे भी ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इसलिए ये जो डार्टोस मसल होती है ये क्या कर जाती है, रिलैक्स कर जाती है। और रिलैक्स करने के कारण क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं ये नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और नीचे आने के कारण क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है स्कॉटम का। ठीक है, बेसिकली स्कॉटम का काम क्या है कि ये क्या करता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर को कम रखता है। ठीक है, लेकिन समर्स में और विंटर्स में इसका काम जो है वो अलग अलग है। क्यों है वो, क्योंकि वहां पर क्या है, एक डार्टोस मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली, हमने आज पढ़ा टेस्टिस के बारे में, हमने क्या किया ब्रीफ में देखा, उसके बाद हमने बेसिक जो नॉलेज थी वो कहाँ पर देखी, हमने स्कॉटम सैक के ऊपर देखी। ठीक है, स्कॉटल सैक के ऊपर हमने थोड़ा नॉलेज गेन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो एक्सेप्शन देखते हैं कि जो स्कॉटल सैक होता है, ठीक है, जो स्कॉटल सैक होता है वो एलिफेंट में एबसेंट होता है, वो एलिफेंट में एबसेंट होता है। ठीक, इसके अलावा जो वेल है उसमें भी क्या होता है, एबसेंट होता है। क्लियर, जो वेल है और एलिफेंट है इसमें एबसेंट होता है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिस के बारे में देखेंगे।